हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट्रकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 4 पे। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पीएच निकालना सीख लिया था और सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था लेक्चर 3 के लास्ट में, कि कौन से सॉल्ट ऐसे हैं, कौन से कैटायन ऐसे हैं, कौन से एनायन ऐसे हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगी, इनकम्प्लीट होगी या पार्शियल होगी। तो हम लोगों ने यह सीख लिया था कि जो कैटाइन या एनाइन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। यहाँ तक बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है यार। जो शीट है, प्रैक्टिस शीट डालने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि वो काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अभी PYQs भी चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड में काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं करके जल्दी से अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अल्कोहल तक की तो आई गई है, एल्डिहाइड कीटोन और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो उसके लिए। तो बस कोई ना कोई बुक होगी, अवस्थी अवस्थी लगा लो यार, सिंपल है। कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा, वो लगाते रहो, फिर मैं शीट डाल दूंगा तो शीट भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। अब dextrakem.in से हम लोग नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से हम लोग नोट्स ले लेंगे और अपने क्वेश्चंस को करते रहेंगे, नोट्स भी ले लेंगे। और जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ उन्हें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वीडियो ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे मेंस में हर बार कम से कम 2 से 3 सवाल आ रहे हैं पूरे मेंस के। अगर बंच की बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम से, टोटल लास्ट ईयर शायद 15-16 सवाल आए थे, उन 15-16 में से 4-5 केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थे। तो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, आसानी से हो जाएंगे तो उन्हें करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे सवाल जो आसानी से हो जाएंगे उन्हें करना ज़रूरी हो जाता है, अगर वो नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी आएगी, ठीक। तो यहीं डाल लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहली हेडिंग पड़ती है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसे तुम ध्यान से सोचो तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया कि HCl है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा NaCl और बन जाएगा H2O। तो NaCl की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल, डू नॉट हाइड्रोलाइज एट ऑल। क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कैटायन और एनायन कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अगर किसी ने ये पहली बार इस चैनल पे आया और पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ गो थ्रू द फर्स्ट 3 लेक्चर्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। और किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर लिक्विड्स के लिए दोबारा पढ़ा दो, तो यार दोबारा पढ़ाऊंगा मैं फिर से, सिंपल बात है। वो तो अभी क्रैश कोर्स भी आने वाला है सिंपल नवंबर में, दिवाली के जस्ट बाद से, तो उसमें पढ़ा दूंगा पूरा फिर से। लेकिन अभी के लिए उस वीडियो को एक दो बार देखो, उसमें सारी बातें करी गई हैं। अगर समझ में कम आ रहा है तो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, जो नहीं आ रहा वो डाउट पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, यहाँ पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, डाउट है ना वो पूछ लो। अब नंबर 2 हेडिंग डाल लेते हैं। अब पहले की तो हाइड्रोलिसिस हुई नहीं, नंबर 2 सॉल्ट किस तरह के थे, सॉल्ट ऑफ, ऐसा लिख देते हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करनी है, कैसे करेंगे इस बात को समझने की कोशिश करना जरा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास वीक एसिड कौन सा था, एसिटिक एसिड था, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो था NaOH। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। और ये वीक एसिड है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है लोगों को कठिन लगता हो, लेकिन तुम मेरे तरीके से पढ़ोगे धीरे धीरे तो कठिन नहीं लगेगा और सवाल बनते हुए नजर आएंगे जरूर जरूर, है ना। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, मतलब इससे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा सोडियम एसिटेट और वाटर, ठीक। अब जब मिलीक्वेंट्स ऑफ एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बराबर हो जाएंगे तब केवल सॉल्ट बनेगा। ये क्या बन गया, सॉल्ट बना, ठीक। तो केवल सॉल्ट बनेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक। तो इस बात को लिख देते हैं कि कब ऐसा होगा, कि व्हेन द मिलीक्वेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू मिलीक्वेंट्स ऑफ NaOH, then only the salt remains
इन एक्वस सॉल्यूशन क्या बचेगा भाई? केवल केवल सॉल्ट बचेगा। तो अगर टाइट्रेशन करना पड़ रहा है तो तुम ये बता पाओगे कि केवल अगर एसिड के और बेस के मिलीक्वेंट्स बराबर हो गए और वही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो उस टाइम पे केवल सॉल्ट बचेगा और सॉल्ट की क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, है ना। तो इन सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए को अलग अलग लिख लेते हैं। किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? केवल एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि एन ए प्लस तो आ रहा है स्ट्रॉन्ग पार्ट से, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आने वाले कैटायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो लिख देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ओनली एन ए ओ एच विल, ओनली एसिटेट आयन विल टेक प्लेस एज एन ए प्लस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एन ए ओ एच। कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस एन ए ओ एच से आ रहा है, तो इसलिए उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? एसिटेट आयन की होगी, और एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि अप टू सम एक्सटेंट ही होती है, पूरा पूरा हाइड्रोलाइज तो नहीं होता, ये तो बात एकदम क्लियर है। तो अब एसिटेट आयन को पानी में मान लेते हैं और एन ए प्लस स्पेक्टेटर की तरह रहेगा, उसे पानी में मानने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो लिख लेते हैं क्या होगा भाई, कि एसिटेट आयन की रिएक्शन, एसिटेट आयन जो एक्वस था वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सी एस थ्री सी ओ ओ एच एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस। इतनी बात तो क्लियर है। तुमने मान लिया कि टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ सी रहा होगा, ये तो होंगे नहीं। टी इक्वल्स टू टी पे ये सी माइनस सी एच कुछ ब्रेक हुआ होगा और ये सी एच बना होगा और ये सी एच बना होगा। वेयर एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वेयर एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो के इक्विलिब्रियम को हम क्या लिख देंगे? के इक्विलिब्रियम लिखेंगे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कॉन्सेंट्रेशन को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा क्या? के एच। तो के एच विल बी इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ एच इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय सी एस थ्री सी ओ माइनस। यहाँ तक सब लोग साथ होंगे, सबको बात समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसानी से समझ में आ रहा है, साथ साथ लिखते चलो। डेराइव कर रहा हूँ फॉर्मूले को, ठीक है, डेराइव कर रहा हूँ। पूरा फॉर्मूला अच्छे से देख लोगे तो जीवन भर याद रहेगा और कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये एकदम गारंटी है ना। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग रटने की कोशिश करते हो, रटने की कोशिश चक्कर में जाता है गलत, और हम लोग करना होता है डेराइव। क्वेश्चन में भी हर बार लिख लिख के करेंगे तभी सवाल को सही कर पाएंगे, ठीक। तो हमने क्या लिख लिया? के एच को हमने लिख लिया किसके बराबर आ गया? सी एस थ्री सी ओ ओ एच इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ माइनस। अब हमने क्या करा, इसमें एच प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि वीक एसिड था, और एच प्लस से ही डिवाइड कर लिया। इस नंबर को ध्यान से देखना भाई, जरा इस नंबर को देखोगे ध्यान से तो दिस नंबर इज वन अपॉन के। ये नंबर क्या है? वन अपॉन के, एकदम कंफर्म बात है। और ये नंबर बन गया किसके बराबर? ये बन गया किसके बराबर? ये बन गया के डब्ल्यू के बराबर, ठीक। तो के एच की वैल्यू जो आ गई, के एच की वैल्यू आ गई के डब्ल्यू इन अपॉन वन अपॉन के, दिस इज इक्वल टू सी एच इंटू सी एच डिवाइडेड बाई सी वन माइनस एच। एस सी से सी कैंसिल हो गया, तो के एच की वैल्यू, के डब्ल्यू बाई के की वैल्यू जो आई वो आ गई सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। वन माइनस एच को हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे वन के बराबर, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी कम, तो एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई सी के आ जाएगी, ठीक। एच की वैल्यू कितनी आ गई? के डब्ल्यू बाई सी के आ गई। अब एच की वैल्यू आ गई तो ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बाबू? ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन आ गया सी एच, है ना। तो सी इंटू एच की वैल्यू कितनी आ गई? के डब्ल्यू बाई सी के
तो ये अंडर रूट ऑफ सी के ए डब्ल्यू बाय के आ गई, बताओ भाई ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब पी ओ एच किसके बराबर हो गया, पी एच हो गया 1/2, बाहर ले लिया, इसे लिख लिया क्या, इसे लिख लिया पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस ऑफ माइनस, इसे लिख दें पी के ए, ठीक। तो पी के डब्ल्यू को हमने लिख दिया क्या, ये हो गया 7 + 7 - 1/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग सी। तो ये पी ओ एच की वैल्यू आ गई, तो पी एच की वैल्यू आ जाएगी 7 = 14 माइनस पी ओ एच, तो जो पी एच की वैल्यू आ जाएगी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, वो 1/2 7 + 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी के बराबर आएगी। डेरिवेशन समझ में आया या नहीं आया ये पहले कमेंट करके बताओ कि डेरिवेशन समझ में आ गया सर बड़ा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और पी एच सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो पी एच ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि जो एसिड है वो वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा ना कि एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये तो बात क्लियर हो रही बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही, समझ में पूरी बात आ रही है ऐसा मान लेते हैं ना। चलो तो ये क्लियर हो गया, अब इस बात को लिख भी देते हैं, पी एच विल बी ग्रेटर देन 7 एज द सॉल्ट इज बेसिक बिकॉज इट इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये बात आसानी से समझ में आ गई। तो हम लोगों ने दो तरह के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पढ़ ली, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात आती है थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर होना चाहिए हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो आप यही डाल लेते हैं नंबर थ्री यही डाल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ क्या, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है हमें। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास सॉल्ट था वो कैसा बना होगा, वो वीक बेस हमने ले लिया NH4OH, वीक बेस के ले लिया NH4OH और इसकी रिएक्शन कराई HCl से, एक्वस तो लेंगे ही सब कुछ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक। तो इससे रिएक्शन से बनेगा क्या, इससे बन जाएगा NH4Cl और वाटर ठीक, ये बन गया सॉल्ट ठीक। अब इसमें किसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी ये तो तुम आराम से बता सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है कि Cl- won't get hydrolyzed because it is coming from strong acid HCl। तो लिख देते हैं इन NH4 plus एंड Cl- minus, Cl- minus won't get hydrolyzed, Cl- won't get hydrolyzed as it comes from strong acid, comes from strong acid HCl ठीक। ये किससे आ रहा है, HCl से ठीक है, ये एसिड से आ रहा है, HCl से आ रहा है, इसलिए Cl- की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। किसकी होगी हाइड्रोलिसिस, NH4+ की होगी। तो NH4 प्लस प्लस वाटर गिव्स व्हाट, NH4OH प्लस H प्लस एक्वस ठीक है। ये रिएक्शन आसानी से लिखी जा सकती है, तो फिर से हम क्या करेंगे, T इक्वल्स टू जीरो पे क्या मान लेंगे, ये C मान लेंगे, ये होंगे नहीं, तो T इक्वल्स टू T पे क्या होगा,
टी इक्वल्स टू टी पे क्या होगा सी माइनस सी एच, ये भी बन जाएगा सी एच और ये भी बन जाएगा सी एच। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ये मैं मान लेता हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये तो आसान चीज़ है ना यार, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ रही है दिक्कत तो एक बार अभी वीडियो को पॉज करो और पीछे जाके पहले पुराना वाला देख लो, ठीक। तो इसके लिए के एच क्या लिखेंगे भाई, के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, पूरा ही लिखते हैं हम लोग, एन एच फोर ओ एच ईमानदारी से एच प्लस डिवाइडेड बाय एन एच फोर प्लस इंटू एच टू ओ लिक्विड, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एच की वैल्यू कितनी आ जानी है, के एच की वैल्यू आ जाएगी एन एच फोर ओ एच इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाय एन एच फोर प्लस। अब क्या करेंगे, इसमें ओ एच माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ओ एच माइनस का डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जब वीक एसिड में थे तो हम लोगों ने एच प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब वीक बेस है तो ओ एच माइनस, याद रखने के लिए, क्यों नहीं है ये याद रखने के लिए है कि जब हम वीक एसिड ले रहे थे तो एच प्लस की कमी हो रही थी तो एच प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वीक बेस लिया है तो ओ एच माइनस कमी हो रही है इसलिए ओ एच माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया के डब्ल्यू, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इतना हिस्सा, ऐसा नहीं ऐसा कर देते हैं, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया वन अपॉन के बी। तो ध्यान से देखो तो के एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के एच की वैल्यू आ जाएगी के डब्ल्यू अपॉन के बी के बराबर आ जाएगी, विच इज इक्वल टू सी एच इंटू सी एच डिवाइडेड बाई सी वन माइनस एच। तो सी से सी कैंसिल हो गया, वन माइनस एच को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे के एच की वैल्यू जो थी वो के डब्ल्यू बाई के बी आ गई, और के डब्ल्यू बाई के बी हो गया सी एच स्क्वायर अपॉन, बस सी एच स्क्वायर हो गया, अपॉन की ज़रूरत नहीं। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू बाई के बी। इतनी बात समझ में आ गई भाई यहाँ तक, इस डेरिवेशन में यहाँ तक सभी लोग साथ होंगे मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, धीरे धीरे आ रही होगी आराम से समझ में, अब तो केमिस्ट्री इजी हो गई होगी मेरे पढ़ाने के बाद, तो हो ही जाती है जनरली इजी, ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं हो जाती है, तो मैं कितनी समझ में आ रही है पता नहीं मेरे को, आ रही होगी समझ में, और अच्छे से पढ़ोगे यार, है ना, जितना तुम ज़्यादा अभी इनपुट दे पाओगे उतना ही भविष्य में आसानी रहेगी, ठीक। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, है ना, जिससे कि खूब नंबर आए और खूब तुम खुशी खुशी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाओ, सेकेंड अटैम्प्ट के लिए एक अटैम्प्ट देना ही ना पड़े, ठीक। चलो अब ये क्या बन गया, एच प्लस आ गया, तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एच प्लस जो था हमारा वो किसके बराबर था, सी एच के बराबर था, तो सी इंटू एच की वैल्यू कितनी है, सी के डब्ल्यू बाय और के डब्ल्यू बाय सी के बी, ऐसे लिखा ना, उल्टा लिख दिया और बता भी नहीं रहे हो ना, ये नीचे आएगा सी के बी, है ना, तो के डब्ल्यू बाय सी के बी आ गया ये। तो ये एच प्लस की वैल्यू कितनी बराबर आ गई, एच प्लस की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू बाय के बी। तो पी एच की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो पी एच आ जाएगा सेवन माइनस वन बाई टू पी के बी प्लस लॉग सी। तो देखो ये कितना आसान हो गया याद रखना इन दोनों फॉर्मूलीज को, फॉर्मूली को इतना याद रखना आसान है कि जब पी एच सॉल्ट एसिडिक था तो कैसी पी एच आएगी, सेवन से कम आएगी, और पी के बी यूज होगा क्योंकि बेस वीक था और लॉग सी तो प्लस में आना है, तो सेवन माइनस वन बाई टू पी के बी प्लस लॉग सी, और उसमें वीक एसिड था तो बेसिक आना था, तो के ए यूज होगा तो सेवन प्लस वन बाई टू पी के ए प्लस लॉग सी हो जाएगा, सिंपल है आंसर, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक। अब ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, अब आगे चलते हैं अगला लास्ट अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का चौथा केस देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही हमारे पास है, जब दोनों ही हमारे पास होंगे तो हम ये मान लेंगे कि दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि दोनों ही कहाँ से आ रहे होंगे, दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस से आ रहे होंगे, तो हाइड्रोजन डाल लेते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो हमने सॉल्ट जो बनाना था वो हमने कुछ ऐसा ले लिया
कि एसिटिक एसिड ले ली प्लस NH4OH ले लिया, एसिटिक एसिड और NH4OH ले लिया, तो इससे बन जाएगा सॉरी अमोनियम एसिटेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक, अब हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि दोनों ही वीक से आ रहे हैं। अब जो जब दोनों ही वीक से आ रहे हैं तो दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, वी कांट डू मच अबाउट इट। तो हम लोग उसे क्या करेंगे, लिख देंगे इस बात को कि इन दिस, ये क्या लिखते हैं, ये वीक एसिड है और ये क्या है, ये वीक बेस है, सबको पता है, फिर भी लिख देना अच्छा रहता है। और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सॉल्ट हमेशा कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना था। ठीक, तो लिख देते हैं इन दिस सॉल्ट बोथ कैटायन एंड एनायन कम्स फ्रॉम वीक बेस एंड एसिड, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन टेक प्लेस। ठीक है, दोनों कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस अब होगी। ठीक है, जब दोनों कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी, और सॉल्ट हमेशा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमेशा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट हमेशा कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्ट, जिससे तुम्हें याद रहे, कभी कोई पूछे कि कोई भी सॉल्ट है, वीक एसिड से बना, वीक बेस से बना, तब भी वो खुद कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो पूरा कैटायन और एनायन दोनों में ब्रेक हो जाएगा आसानी से। तो इसे लिख लेते हैं, अगर ये पूरा पूरा ब्रेक हो गया तो हमने मान लिया कि अमोनियम एसिटेट आयन अलग बन गया, अमोनियम आयन अलग बन गया, दोनों ने मिलके पानी से रिएक्शन की और एसिटिक एसिड बना दिया और NH4OH बना दिया प्लस, प्लस NH4OH बन गया। ठीक, अब इसका T इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना ले लिया, ये C ले लिया, ये भी C होगा, ये डैश डैश लगा देते हैं तो T इक्वल्स टू T आते आते ये C माइनस CH बचा, ये C माइनस CH बचा, ये CH बन गया और ये CH बन गया। तो इस बारी मैं डायरेक्टली KH लिख सकता हूँ, इतना अलाउ करोगे कि वाटर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली KH लिख दूँ। ठीक है, चलो परमिशन मिल गई है तो लिख ही देते हैं कि KH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये हो जाएगी CH3COOH इनटू NH4OH डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस इनटू NH4 प्लस। अब जरा ध्यान से सोचो, जब वीक एसिड था तो हमने मल्टीप्लाई किया था H प्लस से, जब वीक बेस था तो हमने मल्टीप्लाई किया था OH माइनस से, अब की बार दोनों ही वीक है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी कमेंट करके बताना, यहीं पे वीडियो पॉज कर लेना और बताना कि जब वीक दोनों वीक है तो क्या होगा, दोनों वीक होने की वजह से क्या होगा, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, H प्लस और OH माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या करा हमने, ऊपर H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे लिख लिया OH माइनस, और स्मार्टली काम करा यहाँ पे लिख लिया H प्लस। ध्यान से देखोगे तो ये नंबर किसके बराबर हो गया, ये नंबर हो गया 1/KA के बराबर, हो गया कि नहीं हो गया बोलो भाई, ये नंबर किसके बराबर हो गया, जल्दी कमेंट करके बताओ किसके बराबर हो गया, 1/KB के बराबर, और ये नंबर किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया KW के, तो KA KB KW आ गए, तो KH की वैल्यू जो निकल आई यहाँ से वो KH की वैल्यू आ गई KW/KA × KB, KH की वैल्यू जो आ गई KW/KA × KB आ गई। अब जरा देखना भाई KH को हम लिखेंगे क्या, KW/KA × KB तो अभी हमने प्रूफ कर ली इसे बोलो भाई, लेकिन CH × CH/C1 - H
सी वन माइनस एच इन टू सी वन माइनस एच लिखेंगे, तो सी से सी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, तो ध्यान से देखो तो के डब्ल्यू अपॉन के इन टू के बी की वैल्यू जो आ गई बताओ भाई कितनी आ गई, आ गई एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच का होल स्क्वायर। अब वन माइनस एच का होल स्क्वायर है, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो एच अपॉन वन माइनस एच की वैल्यू जो निकालेंगे वो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के इन टू के बी आ जाएगी। हेयर वन माइनस एच इज नॉट इक्वल्स टू वन, यहां पे बहुत कम नहीं होगा क्योंकि दो सॉल्ट है और दोनों का हाइड्रोलिसिस एप्रिशिएबली होगा, इसमें बहुत कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसमें एसिड बन जा रहा था, इसमें नहीं ले सकते ऐसा, इसमें लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ऐसे नहीं ले रहे, मेरे को पता है, अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, फिर उसके बाद निगलेक्ट करना छोड़ देना अगर एच की वैल्यू 5% से 8% से कम आ जाए तो, 5% से कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एच प्लस यानी पी एच निकालनी है, तो हमने मान लिया कि लेट द नेट एच प्लस आयन, द नेट एच प्लस आयन्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तुम कुछ भी ले सकते हो एच प्लस या ओ एच माइनस जो इच्छा करे ले लो, सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इज ड्यू टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम की वजह से, जो हमारा एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, उसी से जो कुछ एच प्लस आ रहा होगा वही आ रहा होगा भाई, इसके अलावा तो एच प्लस आने की कहीं पर व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा तो कहीं से एच प्लस आने की व्यवस्था नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था टी इक्वल टू टी पे, तो ध्यान से देखो तो ये कितना था, सी एच था, और ये सी वन माइनस एच था, और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें इक्विलिब्रियम पे नहीं पता, तो हमें के ए की वैल्यू पता है, के ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, के ए की वैल्यू हो गई सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस इन टू एच प्लस डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ एच। बोलो भाई यहाँ तक सब लोग साथ हैं, तो के ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसका कंसंट्रेशन दिया है सी इंटू वन माइनस एच इंटू एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है डिवाइडेड बाई सी एच, सी से सी कैंसिल हो गया, तो एच अपॉन वन माइनस एच की जो वैल्यू आ गई वो आ गई किसके बराबर, एच प्लस बाई के ए के बराबर, एच प्लस बाय के ए के बराबर आ गई, आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के अगर हम ऊपर वाले अपने इस इक्वेशन में रख दें तो हम इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे एच प्लस बाई के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के इन टू के बी, तो यहां से एच प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, यहां से एच प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच प्लस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इन टू के बाई के बी, ठीक। तो एच प्लस निकल आया, तो पी एच कैसे निकाल लेंगे, तो पी एच विल बी इक्वल टू सेवन प्लस वन बाई टू पी के ए माइनस पी के बी आ जाएगा, आसानी से हो गया खत्म, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है या सबको, ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना, कि ये हो गया आसानी से बिल्कुल आराम से, हम लोगों ने चारों सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस देख ली, उनके फॉर्मूले डिराइव कर लिए, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला किस्सा समझ में आ गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने लिख के रखे हैं क्वेश्चंस, तो वो डिस्कस कर लेते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़े सवाल तुम लगा लो साथ साथ बैठ के, तो तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, और 40 मिनट में हम लोग इस लेक्चर को भी वाइंड अप कर देंगे। छोटे लेक्चर का आयन इक्विलिब्रियम के ले रहा हूं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, एक लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, मैं चाहूं तो इस लेक्चर को 2 घंटे का कर दूं या 1 घंटे 1.25 घंटे का कर दूं, लेकिन उससे नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर तुम ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ोगे तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आज शाम तक या रात तक तुम्हारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस शीट भी पहुंच जाएगी, तो उससे स्पेसिफिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चंस निपटा देना, तो तुम्हें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, काम तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वीक एसिड एच एक्स हैज अ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के की वैल्यू दी है हमें 1 × 10⁻⁵ मोलर, इफ इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स अ सॉल्ट NaX ऑन रिएक्शन विद अल्कली द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर NaX सॉल्यूशन, तो H की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो हमने क्या लिखा, देखो हमें तो नहीं आता सवाल, तो हम क्या लिखेंगे कि NaX
प्लस वाटर से जब एन ए एक्स ब्रेक होगा तो एन ए एक्स किस में ब्रेक हो रहा होगा, एन ए एक्स ब्रेक होगा होगा एन ए प्लस और एक्स माइनस से, ये आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग पार्ट से, कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट, सो डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से आ रहा है, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आनी ही चाहिए, कोई और तरीका है नहीं भाई, है ना? क्लियर क्लियर समझ में आना चाहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है आने वाली। अब देखो क्या होगा कि x माइनस की हाइड्रोलाइसिस होगी, एक्स माइनस एक्वस में गया, वाटर से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, एच एक्स एक्वस बनाया और OH माइनस बना दिया। हमें pH नहीं निकालनी, हमें निकालना है क्या, H निकालना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है हमें क्या निकालना है, हमें H फाइंड आउट करना है, स्मॉल H निकालना है। ठीक, तो हमने क्या लिख लिया, T इक्वल्स टू जीरो पे ये C था, ये जीरो जीरो था, T इक्वल्स टू T पे। देखो मेरे को फॉर्मूला भी याद है लेकिन मैं फॉर्मूला लगाना कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। तो KH की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, किसके बराबर आ गई भाई बताना जरा, एच एक्स इंटू ओ एच माइनस आइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे एच प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे और एच प्लस का डिवाइड करेंगे, बोलो भाई करेंगे नहीं करेंगे। ये हो गया कितना, वन अपॉन के, और ये हो गया किसके बराबर, ये हो गया के डब्ल्यू के बराबर। तो के एच की वैल्यू जो आ गई वो किसके बराबर आ गई, के डब्ल्यू बाई के बराबर आ गई, एंड दैट इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। वन माइनस एच को वन के रिस्पेक्ट में फिर से वन मान लेंगे, तो एच की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई सी के आ गई। हम फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमने के और के बी में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, इसलिए डेराइव कर लो। एक सवाल आएगा पेपर में, डेराइव करके लगाओगे हमेशा सही लगेगा, है ना? रट के जाओगे तो ऐसा थोड़ी आएंगे, इक्विलिब्रियम का पेपर स्पीड टेस्ट होगा। तो के डब्ल्यू की वैल्यू है 10^-14, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू दी है 0.1 और इसकी वैल्यू है 10^-5, तो ये हो गया 0.1 × 10^-5, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 10^-8 यानी कि 10^-4। तो ये एच की वैल्यू होगी 10^-4, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना आ गया, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी तो हमें परसेंटेज में बताना होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा 10^-4 × 100 यानी कि 0.01%। और 0.01 को एच के रिस्पेक्ट में आसानी से, वन के रिस्पेक्ट में आसानी से नेग्लेक्ट किया जा सकता था, कोई दिक्कत की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, आसानी से सवाल लग पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये सवाल मिनट से कम में लग जाता, लेकिन मैंने पूरा डेराइव किया इसलिए टाइम लगा, अगले सवाल को भी मैं डेराइव करूंगा इसलिए टाइम लगेगा, नहीं तो ये मिनट से पहले लगने वाले सवालों में से एक है, इसे करके देख लेंगे हम लोग, है ना? क्या कह रहा है, 500 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद 1.1 मोलर NaOH अंटिल द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बेस के बराबर हो जाते हैं और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है। तो पहले बात तो यही लिख लेते हैं, पीएच निकालनी है, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने लगे, ये हो गया 500 × 0.1 इज इक्वल्स टू, इसके हमने कितने लिए 0.1 इंटू, हमें वी एन ए एच निकालना था, तो वी एन ए एच की वैल्यू कितनी आ गई, वी एन ए एच की वैल्यू आ गई कितनी, 500 ml। ठीक आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब रिएक्शन लिखते हैं तसल्ली से। देखो इस सवाल को गलत करने के 1,00,000 तरीके हैं, लोग आसानी से गलत कर ले जाते हैं इस सवाल में, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रख देते, खत्म हो जाता सवाल वहीं पे, जबकि कॉन्सेंट्रेशन उसकी आधी आएगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है। तो देखते हैं भाई कैसे किया, कि एक्वस लिया प्लस एन ए एच एक्वस लिया, तो ये क्या बन गया, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए बन गया और वाटर लिक्विड बन गया, इसके मिली इक्विवेलेंट्स थे कितने, 50 मिली इक्विवेलेंट्स थे।
इसके भी 50 मिली इक्विवेलेंट्स थे टी इक्वल्स टू जीरो पर। टी इक्वल्स टू टी पे क्या होगा, ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो गया, तो इसके 50 मिली इक्विवेलेंट्स बन गए। ठीक, इसके 50 मिली इक्विवेलेंट्स बने। अब एसीटेट एसीटेटाइन के कितने बने, 50 मिली इक्विवेलेंट्स बने। 50 मिली इक्विवेलेंट्स जब बने तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेटाइन कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेटाइन जो आया वो आ गया कितना, यहाँ पर प्लस नहीं लिखाना था ना, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेटाइन कितना आया, 50 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, तो 10^-3 डिवाइडेड बाय, या सीधे वॉल्यूम लिख देते 50/1000, तो ये आ गया कितना, 0.05 मोलर आ गया कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो आया यानी सी की वैल्यू आई वो 0.05 आई, ना कि 0.1 आई। यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं, और कितने लोगों में से तुम लोगों ने भी गड़बड़ की होगी ये बात बताना मेरे को कमेंट करके कि सर हाँ ये बात, ये क्रिटिकल बात है जो हम तेजी में गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें आती नहीं है, हमें आती है लेकिन हमसे गलती हो जाती है, दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। ठीक है, इसे सिली मिस्टेक कहते हैं, यही सिली मिस्टेक है। ठीक, अब क्या हुआ, 0.05 बन गया। तो हमें पता है पीएच का फॉर्मूला कितना होता है, 7+1/2 पीके प्लस लॉग सी। अच्छा, एसिटिक एसिड का पीके नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 5-log2। ठीक, 5-log2 से देख लिया, तो 7+1/2 5-log2 प्लस लॉग 0.05। ठीक, तो वही कितना हो गया, 7+1/2 5-log2 -log2 +log5। ठीक, लॉग 2 नहीं, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 10^-2 लिख दिया। तो ये हो गया 7 में से, ये क्या बचा 3, तो 7+1/2 3+0.699-0.3, तो हो गया 7+1/2 ये हो गया कितना, 3.399 हो गया, 3.399 को 3.34 लिख दें, तो ये आ जाएगा 7+1/2 3.4, तो ये आ जाएगा आंसर 8.7 इसका। ठीक, तो इसकी पीएच कितनी आ गई, 8.7 आ गई। ये कंबरसम कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, आसानी से की जा सकती थी। अब छोटे छोटे सवाल जो आते हैं वो इस तरह के भी आ जाते हैं। छोटा सवाल क्या कह रहा है, छोटा सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव पीएच लेस देन 7। अब पीएच लेस देन 7 किसकी होगी, पीएच लेस देन 7 उसकी होगी जो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। पीएच लेस देन 7 का मतलब क्या है कि सॉल्ट शुड बी एसिडिक। सॉल्ट कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो KNO3 तो नहीं होता, KNO3 तो KOH और HNO3 से बना, लिख देते सबके नीचे किससे बना होगा, KOH और HNO3 से बना, तो ये तो नहीं हो सकता। NaOH तो बेस है, FeCl3 बना होगा, FeOH होल थ्राइस प्लस HCl से, तो HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये आंसर होगा हमारा। NaCl कैसे बना होगा, NaOH प्लस HCl, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो बेसिक हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है हमारा। ये कैसा है, ये बना है एसिटिक एसिड और NaOH से, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी बेसिक हो गया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। NH4Cl कैसे बना है, NH4OH और HCl से बना है, तो ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या आ गए, दो आ गए, आसानी से कर पाओगे इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बढ़िया से कर ली, पूरी बात समझ में आ गई होगी, पूरी क्लास डेडिकेटेड केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे ही थी। ठीक है, इतना ही समझाना था मेरे को। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए बनता है, उस सवाल को तुम्हें करना है, छोटा सा सवाल है, करके रखना कि क्या आएगा आंसर, और इस सवाल से ही हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे, और अगली वीक एंड तक ये, मतलब अगले वीक, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आज कितनी तारीख है, 26 है, यानी कि अगले ट्यूसडे वेंसडे में, ये ट्यूसडे और थर्सडे में इस चैप्टर पूरा माइंड अप हो जाएगा आसानी से, कोई तकलीफ की बात नहीं है।
चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखना और बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, जो ज़रूरी बात है मैं बता दूंगा कौन सा सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास बफर सॉल्यूशन की, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी अगली होगी सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, ठीक है। चलो बाय बाय।